हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माय टेक्निकल क्लासेस पे। तो आज आप लोग लेकर आए फिर से ब्रिक का क्लास। तो ब्रिक का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपके पास 10 बाय 10 का दीवाल है या 15 बाय 15 का दीवाल है या 15 बाय 10 का दीवाल है तो उसमें आपका कितना ब्रिक लगने वाला है, तो वो ब्रिक की संख्या हम आज निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन वॉल। तो सबसे पहले हम लोग वॉल में आपका नंबर ऑफ ब्रिक की संख्या निकालने से पहले हम लोग ये जान लेंगे पहले कि आपका ब्रिक का साइज क्या होता है, ब्रिक का डायमेंशन क्या होता है। तो हम ये पहले देख लेते हैं। तो ब्रिक हम यहाँ पर बना दिए हैं, एक ब्रिक है। तो ब्रिक का आपका जो है डायमेंशन जो है आपका देखिए, लेंथ जो होता है आपका 9 इंच होता है और इसका विड्थ जो होता है वो 4.5 इंच होता है और हाइट जो होता है इसका 3 इंच होता है। कितना होता है? 3 इंच होता है। तो ये आपका बीच में जो है आपका यहाँ ये बीच में जो है ये इसको फ्रॉक बोला जाता है। इसका जो डेप्थ जनरली जो दिया जाता है वो आपका 10 mm दिया जाता है। कितना दिया जाता है? सॉरी, हाँ 10 mm दिया जाता है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का वो बता देते हैं। अगर आपका वॉल्यूम ये टोटल आपका दीवाल है, दीवाल का मोटाई आपका कितना है, ये अभी तो यहाँ पर 9 इंच दिए हैं। अगर आपको 4.5 इंच का दीवाल है तो उसका निकाल भी सकते हैं। पहले हम एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा का भी निकाल लेंगे। तो सेम प्रोसेस है सबका निकालने का। तो ये इसका जो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का जो फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉल बटे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब ये वॉल का वॉल्यूम बटे एक ब्रिक का वॉल्यूम। तो हम चलते निकालते हैं इसका पहले। तो हम मेरा दीवार का जो मोटाई है, वहां मोटाई है आपका 9 इंच का। कितना है? 9 इंच। देखिए जनरली बोला जाता है कि 10 इंच का दीवार है। तो 10 इंच जो है जब प्लास्टर किया जाता है तो दोनों बगल जब प्लास्टर किया जाता है तो हाफ हाफ इंच दोनों बगल जोड़ा जाता है। तो 1 इंच वो होता है और 9 इंच आपका वॉल का सॉरी ब्रिक का होता है। 9 इंच ये ब्रिक का और 1 इंच जो होता है प्लास्टर करने के बाद उसमें मोटाई जोड़ा जाता है, तब बोला जाता है कि 10 इंच का आपका दीवार है। तो हम चलते हैं, हम इसका निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक इसका कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालिए पहले। वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई आपका कितना है? 15 फीट। फीट को हम लोग 1 डैश से डिनोट करते हैं और इंच को डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो 15 और अब ये चौड़ाई कितना है? 9 इंच। तो 9 इंच यहाँ दे दिए और हाइट कितना है? 10 फीट। तो 10 फीट यहाँ दे दिए। तो देखिए ये और ये तो फीट में है और ये आपका किस में है? इंच है। तो इसको फीट ये 9 को फीट में लाने के लिए तो आपको यहाँ पर 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से? 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, 15 फीट × 9/12 × 10। तो 15 गुना ये आ जाएगा 0.75 × 10। तो ये आ जाएगा आपका 112.5 आएगा। कर लेते हैं कैलकुलेशन, 15 × 10 × 0.75 तो आ गया राइट है। तो क्यूबिक फीट हो जाएगा। ये आपका किसका निकल गया? वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये दीवार का जो टोटल वॉल्यूम निकल गया। अब निकालते हैं एक 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 ब्रिक का वॉल्यूम। तो एक वन ब्रिक वॉल्यूम वन ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका भी हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है? 9 इंच और विड्थ कितना है? 4.5 इंच और इसका हाइट है 3 इंच। तो
ये आपका इंच में टोटल है, तो आपको कितना किसमें इसको डिवाइड करना है फीट में, तो इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो आएगा 7.5 इंटू इसका आ जाएगा 0.325 और इसका आ जाएगा 0.25। या इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा आपका वो आएगा कितना आ जाएगा 0.07030125 इतना आपका क्यूबिक फीट आ गया। तो यहां पर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल भी निकल गया और वॉल्यूम ऑफ वॉल ब्रिक भी निकल गया। तो अब क्या करेंगे उसको इसको यहाँ पर रख देते हैं और ब्रिक का वॉल्यूम यहाँ पर रख देते हैं, तो आपका एक आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक एक आ जाएगा। तो रख देते हैं इसका, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 112.5 क्यूबिक फीट, 112.5 क्यूबिक फीट बाय कितना है 0.07030125 क्यूबिक फीट, फीट फीट कटा तो कितना आ जाएगा इसका डिवाइड करने के बाद 1600, कितना आ जाएगा 1600 ब्रिक आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1600 यहां पे देख सकते हैं कितना आ गया 1600 ब्रिक आ गया। अगर आपके पास अगर 15x10 का अगर दीवाल है और दीवाल का जो मोटाई है वो आपका 9 इंच है, तो उसमें जो ब्रिक लगने वाला है वो कितना लगने वाला है 1600 ब्रिक लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा 1600 ब्रिक लगेगा। तो अगर हम चलते हैं इसी वॉल का, अगर हम 10 फीट अगर यहाँ पर अगर 10 फीट का रहता है, यहाँ पर 10 फीट रहता है तब इसका कितना रहेगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ेगा ये 15 की जगह पे 10 की जगह तो 10 कर दीजिए टोटल, तो आपका जितना 75 इसका आ जाएगा टोटल 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 क्यूबिक फीट, 75 क्यूबिक फीट फिर यहाँ पर रखिएगा। और इसका तो वॉल्यूम बदलेगा नहीं, ब्रिक का वॉल्यूम बदलता नहीं है, जो आपका वॉल्यूम है वही रहेगा। ठीक है, तो फिर डिवाइड कीजिएगा तो उसमें आपका कितना आ जाएगा 1100 कुछ आएगा आपका। ठीक है, और चलते देखिए आपका ये तो आपका 9 इंच का दीवार का निकल गया। अगर आपको 4.5 इंच का निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा सर, इसमें कुछ नहीं करना, दो से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे आपका 9 इंच में आपका 1600 लगा, तो अगर 4.5 इंच का अगर दीवार देते हैं तो उसमें आपका कितना लगने वाला है 800 ईट लगने वाला है, कितना लगेगा 800 ईट लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल मेरा, और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।